मैं ही शादी करूंगी यूवी के साथ और अपनी मर्जी से करूंगी। चलो मतलब दावत तो पक्की। और वैसे भी तलाक की बात तो चली रही थी तो अब तो ऑलरेडी पेपर साइन हो चुके हैं, अब इतना क्यों चौंकना? इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेट दिस हैपन। तुम मुझे अंगूठी पहनाने वाले थे ना? ऑफ कोर्स बेला। सही फैसला लिया रोही, मुझे चुन के। So guys, finally सगाई हो चुकी है और शादी कल है? कल नहीं, दो दिन बाद। चलो अच्छा, कम से कम मुझे शॉपिंग का तो टाइम मिल गया इसी बहाने। मैं कपड़े कैसे खरीदूं? एंडी जान, मेरी बात सुनो, तुम ना अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो। अरे लेकिन सुन, अब क्या करने आई हो यहाँ? जाओ ना, जाओ अपने फियोंसे के पास। शादी करने के लिए हाँ करी है ना तुमने उससे, उसी के पास जाओ। मेरे पास क्या कर रही हो? जाओ। देखिए मायूर जी, बाहर जो कुछ भी हुआ ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। अचानक से उसने सबके सामने पूछा और मुझे पता ही नहीं था सिचुएशन से कैसे डील करूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इवन आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर मैं क्या करती? आई वाज ब्लैंक। पर मुझे इतना पता था कि अगर मैं उस फेक यूवी को मना कर देती ना तो सब गड़बड़ हो जाता। उसे पता चल जाता कि हम क्या करने वाले हैं और हम कभी पता नहीं कर पाते कि वो क्या करने वाला है और क्यों करने वाला है, उसका प्लान क्या है। नहीं जानना है कि उसका प्लान क्या है, क्या चाल चलने वाला है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे तुमसे मतलब है बेला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिसके लिए मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। तुम समझती भी हो किसी बात को? तुम जानती हो कितना डेंजरस है वो? उस आदमी ने घर में आते ही तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की। तुमने सोचा एक बार भी? वो आदमी इतना चाहती है कि मुझे पता भी नहीं लगने थी और मुझसे डिवोर्स पेपर तक साइन करवा लिया उसने। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उसके साथ एक सेकंड के लिए भी छोड़ दूं? तो ऐसा नहीं हो सकता बेला, ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम समझती नहीं हो किसी बात को। ये टू प्रीशियस फॉर मी बेला, तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ माहिर जी, ट्रस्ट मी, मैं समझती हूँ। तुम नहीं समझती बेला, तुम बिल्कुल नहीं समझती। अगर तुम समझती होती ना तो तुम उस आदमी से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। आई कांट टेक दिस। माहिर जी लुक एट मी, रिलैक्स। देखिए माहिर जी, पहली बात आप मुझे नहीं खो सकते, दूसरी बात आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, तीसरी बात आपको पहली दो बातों पे यकीन हो ना हो मुझे पूरा यकीन है। और रही बात शादी के लिए हाँ करने की, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। वो इंसान बहुत ज्यादा शातिर है, उससे बच के रहना पड़ेगा। उसने मेरी माँ पे गोली चलाई और इल्जाम किस पे आया? आप पे। क्योंकि उसने वो सब ऐसे फ्रेम किया कि आप कल्प्रिट बन जाए, मुझे आपसे नफरत हो जाए, मैं आपकी जान की दुश्मन बन जाऊं। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए हमें वक्त चाहिए जो हमें मिला। शादी को अभी दो दिन बाकी है, हमारे पास दो दिन है उसका मकसद जानने के लिए और आपकी जान बचाने। जान तो नहीं बच रही है मेरी, मैं तो मर रहा हूँ पल पल। जब भी वो तुम्हारी तरफ देखता है, जब भी वो तुम्हें हाथ लगाता है, जब भी वो तुम्हें अपनी बीवी मंगेतर कुछ भी बुलाता है ना, मन करता है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई नो, ये बात मुझे भी परेशान करती है, बट यू नो व्हाट, हम साथ मिलके इस दुनिया की हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। जस्ट बी देयर विद मी, डोंट बैक अप। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, करो तो करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसमें नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं। यू नो व्हाट, आप बहुत अच्छे इंसान है। I know, but I hate this at times. मेरे को ना इसी चीज से नफरत होने लगी यार। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं और अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बस अब अगर दो दिन के अंदर उस आदमी ने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया,
कोई भी ऐसी चीज मुझे लगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो मैं उसका सिर और उसका फंडा दोनों फोड़ दूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और यू कांट आर्ग्यू ऑन दिस। ओके, बट आई रियली विश कि सबकी नौबत ना आए और उससे पहले ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। आई डोंट, आई रियली डोंट। बड़ा खुश होगा ना तुम आहिर, ये बात सोच करके मैंने रूही से इतने झूठ कहे। रूही को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके बावजूद भी आज तो जिंदा है, मरा नहीं है। तो क्या हुआ, जो बात आज नहीं हुई है वो आगे हो जाएगी। देख, मैं तो शुरू से नहीं चाहता था कि तू एक झटके में मर जाए। मैं चाहता था कि तू धीरे धीरे तड़प तड़प कर आहिस्ता आहिस्ता मरे। मरना तो तुझे है और तुझे मैं नहीं, तुझे मारेगी रूही, तुझे मारेगी नागरानी, क्योंकि मुझे नागरानी के हाथों किसी बेकसूर को मरवाना है और वो बेकसूर तू होगा माहिर सैगल। तू मरेगा रूही के हाथों, तू बनेगा मेरा सबसे बड़ा शिकार। तू मरेगा माहिर। अरे डू इट एज आई से यार, मैंने बोला ना जल्दी करो उसे। हाँ चलो चलो, बाय बाय। अरे सेंटर 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 सेंटर, आराम से चलो। वेरी गुड, ये मिर्ची लाइट। वाह, नाइट वाला ही गायब है। अरे लाइट लगवा यहाँ पे, चल चल सेंटर पे रख। अरे इसको लगाने में कंजूस मत कर, ढंग से कर यार। अरे माँ, हाँ आप आ गए। वो ब्लू कपड़ा कहाँ है? कौन सा? अरे वो सिल्क वाला बड़ा सा। चलो मैं ले यार, जल्दी लाना फिर। थैंक गॉड। अच्छा मॉम सुनो, छोटा सा फेवर दिया आपसे। देखिए ये काम लड़के करेंगे, मैं आपसे ध्यान रखना है। ये कपड़ा लड़के लगाएंगे, यहाँ पे पूरा राउंड होके पूरा अच्छी तरीके से फॉल करेगा एंड यहाँ पे चार तरह से ये ड्रेप हो। प्लीज आपको सिर्फ देखना है, प्लीज टेक केयर। थैंक यू। अरे ये आ गया, तू लाइट देखो। आरजे कम ऑन यूवी, What's this? Dad, what are you guys doing? मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना अपने बेटे से ज्यादा दारू पिया रही। मतलब मेरे संगीत का फंक्शन क्या, चल रहे हो आप दारू पी रहे हो? Apple juice. अरे यार पियेंगे नहीं तो तेरे संगीत में नाचेंगे कैसे? Wow, what a dialogue. Shut up and get up. रखी सर, चल ग्लास रख, चल चल चल। जब बेला की एंट्री होगी ना तो सिर्फ ये सेंटर वाली कैंडल जलेगी और सारे हॉल की लाइट्स ऑफ होंगे। सिर्फ ये कैंडल जल रही होगी। ओके, बिकॉज इसमें मुझे उसकी एंट्री चाहिए। लाइक दिस। अरे कौन है यार, ये किसने भूजा? अरे यार माहिर भाई, यार मार भाई, कितनी मुश्किल से मैं प्लेसिंग कर रहा हूँ संगीत के फंक्शन के लिए और आपने सब बिगाड़ दिया आते ही। anyway, चलो आगे थोड़ी हेल्प ही कर दो। अरे हाँ, उसका वो डीजे वाले का नंबर है ना आपके पास, उसे फोन करो। अरे आपकी तो ऑडियो भी चालू है। ये तो हो गया ना, फिर ये सारी यहाँ पे जलानी है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे संगीत की। बेला, 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 ये सब कुछ यहां छोड़ के पता नहीं कहां चलेगी। नहीं, मैं यहाँ क्या ढूंढने आई हूँ, लेकिन शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मुझे उसके इरादों का पता चल जाए। अरे वो कभी नहीं होगा माँ। अरे अभी इतनी तैयारी, सब कुछ हो जाएगा, तू जा चेंज करके। अच्छा एक बात बोलूँ, मुझे अब यकीन हो गया, बट पहले मुझे बहुत डाउट रहता था। क्या? मुझे हमेशा लगता था कि आप माहिर भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते। अच्छा अब क्या लगता है? अब लगता नहीं, अब तो मुझे यकीन है दैट यू लव मी टू। अरे प्यार से याद आया कि वो माहिर भाई का दिख नहीं रहा, कहीं किसी काम से भेजा है? तू कितना टाइम पास करते है? जाना, तैयार हो, चल। ओके ओके ओके। फोन क्यों नहीं उठा रही हो बेला? कहाँ? मैं ही शादी करूंगी यूवी के साथ और अपनी मर्जी से करूंगी, इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेट दिस हैपन।
फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वह रूही क्या नजारा है? ये इंसान यहां तुम्हारी डोली सजाने में जुटे हुए हैं और तुम माहिर की अर्थी उठाने में। हाँ रूही, अब तुम चाहो ना चाहो लेकिन वो माहिर तो तुम्हारे ही हाथों मरेगा। ये जादुई नब वाली अंगूठी ये विक्रांत के पास, ये तो वही अंगूठी है ना जिससे हम नाग नागिन अपने जन्म देने वालों से बात कर सकते हैं। यही तो बताया था माँ ने, इसीलिए जब मुझे पता चला कि मैं माँ को खो चुकी हूँ, मैंने इसके जरिए बात करने की कोशिश की लेकिन ये अंगूठी चोरी हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये अंगूठी विक्रांत ने चुराई थी। पर विक्रांत क्या करेगा, उसने तो कहा था कि उसके मुझे सिर्फ हमारे रिश्तेदारों की फिक्र है रूही। हम दोनों अलग अलग नागवंश हैं और हमारे रिश्तेदारों को हमारा ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। हाँ अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो जरूर हमारे रिश्तेदारों को हमारे रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश करते, लेकिन अफसोस ये है कि वो भी बहुत सालों पहले गुजर गए। अगर विक्रांत के माता पिता सालों पहले मर चुके हैं तो वो इस अंगूठी का क्या करेगा, क्यों चुराई होगी उसने? रोहित, तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हो लेकिन मेरे बिना यहाँ हुए तुम यहाँ मुझसे मिले हो, बड़ी अजीब बात है लेकिन अच्छा लगा। बस मुझे यही जानना था कि ये आगे का प्लान क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है तुम आगे क्या करने वाले हो, तुमने क्या सोचा है। तुम मुझे तो बता दो कि शादी तुमने अनाउंस कर दी, शादी के बाद क्या होगा? स्वागत मनाई पर क्या? मजाक करने का वक्त नहीं है विक्रांत, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारी चाल क्या है, प्लान क्या है? मैंने कहा ना कि तुम ज्यादा सोचो, आगे क्या करना मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें उस माहिर से छुटकारा मिल रहा है। तुम उसकी बीवी नहीं हो, तुम इस बात की खुशी मनाओ। वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में क्या है। क्या छुपा रही? क्या छुपा रही मतलब? तुम्हारे हाथों में क्या है? ओह, गिफ्ट मेरे लिए? तो दिखाओ क्या है। दो शादी के बाद, अब जो तोहफे की बात करती है तो तोहफा ना पड़ेगा। सरप्राइज है ना विक्रांत, शादी के बाद दिखा सकती हूँ, अभी नहीं दिखा सकती। शादी के समय मैं तुम्हें सुहागरात के समय कोई तोहफा दे दूंगा, मुझे दिखाओ ना। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हें शादी के बाद दूंगा। यूवी, तुमने बेला को माहिर भाई, what timing? I'll go and get ready. से? तुम भी रेडी हो जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। ओके, I'll change and come. तुम लो रिस्क, जितना रिस्क लेना है लो, पर मुझे गुस्सा करने से ना कोई नहीं रोक सकता। उफो माहिर जी। क्या उफो माहिर जी? आप तो क्या बेला, आप तो नहीं, तुम पहले बताओ तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रहा था? यू नो व्हाट, आप रहने दीजिए। अरे क्यों रहने दो, ऐसे कैसे रहने दो? अरे नहीं रहने दे सकता बेला, मुझे पूरी बात सुननी है। अब ना माहिर जी, मैं आपको सीरियसली सुनाई दूंगी। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ आपको बात बताने की, आप सुन रहे हैं, बीच में बोले जा रहे हैं।
और बीच में कभी हाथ क्यों पकड़ा था, रिस्क क्यों ले रही हो, अपना कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं बताऊंगी आप। अच्छा सुन रहा हूँ, बोलो। तो जब मैं उसके कमरे में गई, अरे वहां से नहीं बेला, जहां से हाथ पकड़ा वहां से बताओ। क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। व्हाट? फिर भी इसमें बोल रहे हैं आप? अरे अच्छा नहीं बोल रहा, सुन रहा हूँ, बोलो। मैं उसके लिए गिफ्ट लेके नहीं गई थी, लेकिन जब मैं उसके कमरे में थी तो पीछे से वो आ गया ऑन द स्पॉट। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या बहाना दूं कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं गिफ्ट लेके आई। ओके हैप्पी? हैप्पी? पर जिससे पहले जो बात हो रही थी वो तो कुछ और थी, कुछ पोजेसिव, दैट्स द वर्ड। अच्छा सॉरी, नहीं हो रहा हूं पोजेसिव। तो अच्छा बताओ क्या कर रही थी तुम? मैं ये कह रही थी कि मुझे क्लू मिल गया है। क्या क्लू बेबी? दिस इज द क्लू, ये स्मेल दैट यू आर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग? नहीं बेबी, बेबी वहां देखो क्या है वहां पे? कुछ भी तो नहीं। अब गेस्ट आए बेबी, संगीत के गेस्ट आए, लेट्स गो ग्रीट देम। ओ गॉश, इनको किसने बुलाया? माही जी आपको पता है ये जो यूवी, ये जो नकली यूवी है ना, इसकी माँ भी साथ में मिली हुई है। ये अपनी माँ से बात करता है, यानी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है अपनी माँ से मिलके कर रहा है। और देखिए मुझे पता ही नहीं इतने सालों तक ये बात इसने मुझसे छुपा के रखी। इतने सालों तक ये बात छुपा के रखी मतलब? माही जी एक एक बात पकड़ेंगे क्या? आप मेन मुद्दा पकड़िए ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए मैं तब तक आपको क्लियरली सब कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं। बिला देखो, वी नो नथिंग अबाउट दिस गाय, हमें कुछ भी नहीं पता। जस्ट दैट तुम कहती हो ये यूवी है तो मैं मान लेता हूँ ये यूवी है, तुम कहती हो कि फेक यूवी है तो मैं मान लेता हूँ कि फेक यूवी है। तुम्हारी सारी बातें मैं मान लेता हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट यू बिला। अगर तुमको अपनी किसी बात पे विश्वास है तो मुझे तुम पे विश्वास है, दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। एक बार और ट्रस्ट कर दीजिए माहिर जी। ठीक है बिला, मैं तुमसे इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन सारा राज तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा जो भी कुछ है, याद रखना। आप इतना यकीन क्यों करते हैं मुझ पर? बेला सच कहूं, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं जो ब्लाइंडली अपने दिल को फॉलो करता रहूं। बेवकूफ नहीं हूं मैं कि तुम कहो वो यूवी नहीं है, फेक यूवी है तो मान लो, और बीच में उसकी माँ भी आ जाए तो मान लो। बेला मैं पागल नहीं हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को, मुझे पता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है मेरे दिमाग के अंदर, I'm smart too। लेकिन फिर भी मैं भी देख रहा हूँ कि ये जो यूवी है ना, ये मेरे भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसकी बहुत सारी चीजें नोटिस की जो बिल्कुल भी मेरे भाई जैसी नहीं। मैंने उसे देखा वहां पे एप्पल खाते हुए, मेरा भाई यूवी एप्पल नहीं खाता था, उसको एप्पल से एलर्जी थी। बेला याद है उस रात हमें एक लड़की मिली वहाँ जो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो बेला है, बिल्कुल डिटो तुम्हारे जैसी शक्ल की थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं किया। मैं हूं बेला, माहिर जी। माहिर जी ये झूठ बोल रही है, मैं हूं बेला, तेरा यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए। मुझे पता था कि तुम, मुझे पता है मेरी बेला कौन। बेला वो जो एक याद है मास्क मिला था गार्डन में जो मैंने तुम्हें लाके दिखाया था, सारी चीजें जब मैं देखता हूँ बेला तो मुझे लगता है कि हाँ ये सब कुछ पॉसिबल है, ये फेक यूवी का होना पॉसिबल है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आता। लेकिन बेला तुम परेशान मत हो, देखो बेला कोई बहरूपिया है ये मैं मानता हूँ, इट्स नॉट जस्ट ब्लाइंड फेथ। पर तुम टेंशन मत लो, इसके पीछे जो भी सच है ना बेला वो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। जो भी इस फेक यूवी के पीछे राज है बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे, तुम परेशान मत होना, चेंज कर लो। ये नकली यूवी असली में विक्रांत है ये तो मैं जानती हूँ, मगर विक्रांत असली में क्या है वो नहीं जानती, वही मुझे पता करना है। उसने अपनी माँ के जिंदा होने की बात क्यों छुपाई मुझसे?
आखिर है कौन वो औरत, कहाँ हो सकती है? कौन? कौन है यहाँ? पूरन मासी, मुझे जल्दी अपनी केचुली बदलनी होगी, लेकिन नहीं, बस इतना टाइम नहीं, मुझे तैयार भी होना है। Cheers. Cheers. ये जाम उस बंदे के नाम जिसने खुद अपनी गर्दन शादी के फंदे में डाल दी। I swear, man. मतलब शादी मतलब बर्बादी, और आपके लिए तो शादी मतलब आबादी। बट सीरियसली यार, जिसने भी गाया सही गाया, शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगानी पड़ती है। वाह क्या बात बोले आदि, और ये साला ऐसा है जो अपनी पुरानी चोट पे दोबारा हल्दी लगा रहा है। Cheers guys. देखो, इससे एक चीज तो प्रूव होती है कि मैं अपनी चीज किसी और के नाम नहीं होने दे सकता, और मुझसे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। खुद तुझसे कोई क्या छीनेगा, तूने तो खुद छीन ली अपने भाई की दुल्हन। बेला मेरी दुल्हन है, और माहिर भाई ने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, तो मैं उनकी गलती सुधार रहा हूं। और इनफैक्ट उन्हें ये चीज बता रहा हूं कि लड़कियों के मामले में यूवे किसी का भाई नहीं है। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है? आराम से, वरना तेरे संगीत में तेरा ही बैंड बच जाएगा। मतलब एसिडिटी हो जानी है। अरे, here comes the bride! अरे सब लोग देखो। इंग्लिश बोली मतलब मम्मी टल्ली होगी। गाइस, तालियां बजती रहनी चाहिए। ओह माय गॉड, लुक एट यू, कितनी स्टनिंग लग रही हो तुम, बहुत खूबसूरत। आर यू ओके बेटा? आई एम सॉरी माहिर, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी कोई गलती नहीं। गलती मेरी है बेटा, एक बेटे का दिल तोड़ के दूसरे बेटे का घर बसा रही, इससे बड़ी हार तो कोई माँ के लिए हो ही नहीं सकती। नहीं आप ऐसा मत कहिए, ये जो भी कुछ हो रहा है सबका डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, इस सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हेलो, मेरी झप्पी कहाँ है? मुझे झप्पी की क्या जरूरत है, तू उसकी पप्पी ले लेना। आंटी मुझे शादी से पहले खूब सारी झप्पी पप्पी दिया करते थे एकदम ऐसे। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रांत इस जादुई नग वाली अंगूठी के जरिए जिससे भी बात कर रहा है वो जरूर यहीं कहीं इस भीड़ में है। हो ना हो, वो पर्पल नाग जो मुझे कमरे में दिखा था वो वही था जो विक्रांत के साथ मिला है। यानी अगर मैं ये जादुई अंगूठी पहन है तो यहाँ उस नाग की आंखें फौरन पहचान लेंगी। बोल, थोड़ा बोरिंग से हो रहा है यार। Hey, come on, dim the lights and play the music.
Come on! So, baby, can we have our first dance together? If you don't mind, वो जोड़ा जो कभी साथ में था ही नहीं, वो साथ में एक डांस कर सकता है? चलो, तुमने ये बात रियलाइज करी और एक्सेप्ट भी करी, I'll give you the chance. बेला का ध्यान रखना. ख्याल तो मैं तुम्हारा हमेशा रखूंगा बेला, पर ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो तुमको हाथ लगाए. सच में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता बेला कि वो लड़का तुमको हाथ लगाए. ना ही ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि वो तुम्हें अपना कहे, तुम पे हक जताए. मुझे गुस्सा आता है, मुझे जलन होती है. आपको क्या लगता है माहिर जी, ये सब मुझे अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं. तो कब खत्म होगा ये? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता बेला. आज रात को ही, उससे पहले आई हैव टू डू समथिंग रियली स्टूपिड एंड वेरी मीन. आई एम सॉरी. माहिर जी, ये हमारा लास्ट डांस था एंड I just can't do this anymore. I'm calling it off. Calling off the dance and calling off the marriage? Both. Fantastic. I think it's time to change the music. What's it, guys? Change the music! Put some energy wala song. इसके जरिए मैं उस नाक की आंखें पहचान सकती हूँ. वो इसमें जरूर चमकेंगी. अब देखती हूँ वो कैसे बचता है. विक्रांत का दोस्त है मगर मेरा दुश्मन.
ये जादुई अंगूठी अपने आप उस पिलर की तरफ खिंच रही है जहां भी कोई था। हाँ, किसी नाक की आंखें चमकी थी वहां। जा रही है वो क्या रहा है ये सच्चाई जान गई हूं मैं। अपने बेटे की तरह तुम भी एक नागिन हो इसलिए नाटक करना बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। तुमसे बात कर रही हूं मैं, सुन रही हो? फॉलो मी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये तुम्हारा असली नाम है भी या नहीं। अपने असली रूप में आओ, मेरी बातों का जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रही हूं। बात कर रही हूं मैं। देखो मेरी तरफ, बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अपने बेटे के साथ मिलके तुम क्या करना चाहती थी? तुम सुन रही हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं। मुस्कुरा रही हो तुम, मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक, तुमसे मैं अपने तरीके से निपटूंगी। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें, मेरी बात का जवाब दो और बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया। सबसे पहले असली रूप में आ जाओ। मैंने कहा अपनी असलियत दिखाओ, मुझे दिखाओ अपना असली रूप। तुम सिर्फ पूछ रहे। Follow me? Follow me! Ruhi? तुमने इन्हें मार दिया? मैंने मार दिया मतलब? ये मरी नहीं होंगी। देखो एक बार मेरे ख्याल से बेहोश है। रूहीन की नब्ज नहीं चल रही है, मर गई। और ये क्या, इनकी ये गर्दन पे दसने का निशान? रूहीन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और तुमने इन्हें जान से मार दिया है? अभी क्या कहा मैंने? मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा। तुम फिर से पूछ रहे हो मुझसे? तो फिर ये यहाँ क्यों है? तुम यहाँ क्यों? मैं क्योंकि नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि वो जादुई नग वाली अंगूठी मेरे हाथ लग गई और मैं इसकी माँ का पता लगाने के लिए उस पर नजर रख रही थी। रूही कहाँ खो गए हो? बताओ मुझे कि तुम यहाँ क्यों हो? इनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए इन्हें देखने के लिए मैं यहाँ पे आई, इनके पीछे पीछे। उसके बाद तुमने इन्हें डस लिया? नहीं, नहीं। इकरान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम
मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये भोलेनाथ, तुम तो अपनी कैचुली बदल रही हो। इसका मतलब है कि आज पूर्णिमा है, वो भी कोई ऐसी वैसी पूर्णिमा नहीं, आज आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है। समझ में आया यहाँ क्या हुआ है? रूही, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रूही, मैं और विशाखा बदलते चंद्रमा के साथ उसकी दशाएं को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इतने सारे लोगों की भीड़ में अगर तुम अपनी कैचली बदलती हुई पकड़ेगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ये सब इस चंद्रमा के कारण हो रहा है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम अपनी कैचली बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो, तुम्हें अपने आस पास हर एक चीज से खतरा महसूस होता है और तुम उस पर हमला कर देती हो, और उसके बाद बहुत कमजोर भी हो जाती हो। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, तो हो सकता है तो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें लगा कि ये तुम पर हमला कर रही है, इसलिए तुमने इन्हें जान से मार दिया। नहीं मारा विक्रांत, बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें तब से यही कह रही हूँ विक्रांत, मैंने नहीं मारा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बेला कहाँ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता बेला कहाँ है। एंड ऑनेस्टली भाई, यू स्टॉप वरिंग अबाउट हर। अब वो आपकी नहीं यूवी की प्रॉब्लम है, आप उसकी चिंता छोड़ दो। ओ गॉड, पता नहीं तुम कहाँ हो बेला। I just hope कि तुम ठीक हो। कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, समझे तुम? ये बोलो ये कि मैंने नहीं किया है विक्रांत, मैंने नहीं मारा, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये सब। तुम सुन रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनो। देखो, जब तुम अपनी कैचली बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो, तुम्हें तो याद भी नहीं होता है कि तुमने किससे क्या कहा, किसके साथ क्या किया। तुम याद नहीं, पर तुमने मुझ पर हमला कर दिया था। वो बरसों पहले की बात है विक्रांत, तब मैं ना समझती नादान थी, आज मैं वैसी नहीं हूँ। तो फिर मुझे समझाओ कि आज क्या हुआ है, किसने मारा इन्हें, इनकी गर्दन पे डसने का निशान कैसे आया? तुम्हें कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने खुद बखुद अपने पैरों पे चलकर इस कमरे में आई थी, तो तुम्हारी आंखों के सामने मर कैसे गई, किसने मार दिया इन्हें? मेरी आंखों के सामने नहीं मरी, जब मैं इस कमरे में आई तो ये मरी हुई थी, जैसे तुम इस कमरे में आए तो मैं मरी हुई थी। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? देखो, तुम चंद्रमा की रोशनी में मत आओ, तुम जितना चंद्रमा की रोशनी में आओगी उतनी ज्यादा जल्दी तुम अपनी कैचली को बदलोगी, उतना ज्यादा अपना आपा खोगी, और हो सकता है कि फिर कोई तुम ऐसी गड़बड़ कर बैठो। मैं इस वक्त होश में हूँ। हो सकता है कि तुम इस समय होश में हो, उस समय होश में ना हो। और देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के इन्हें नहीं मारा, गलती से मार दिया तो मर गई ना, कोई बात नहीं। इनकी लाश को ठिकाने लगा रहा हूँ, अगर इनकी लाश को किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी रूही। तो क्या विक्रांत, मैंने थोड़ा ही मारा है। रूही, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जंगल में जाकर इनकी लाश को फेंक दूंगा, बहुत से जानवर है, सुबह तक सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? अरे ये इस घर का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा थी, मैंने ऐसी मौत नहीं दे सकती। मौत तो दे चुकी हो रूही, तुम्हारी आंखों के सामने लाश है। रूही, अगर उनकी लाश किसी के हाथ लगे वो भी तब चिमन के गले पे डसने का निशान है, तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगी। और एक वो लड़की को, वो तुम्हें सबके सामने नागिन बोल चुकी है, तुम पर सबसे ज्यादा शक वो करती है, और इस बार अगर मैं उसे थप्पड़ भी मारूंगा तब भी वो चुप नहीं होगी, और इस बार तुम हाइट भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। रूही, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाने दो, और देखो हम हमारा बदला लेने के बहुत करीब हैं, अब कुछ गड़बड़ मत करना। मैं भी तुम्हारी असलियत जानने के बहुत करीब हूँ विक्रांत, बहुत करीब। मैनर्स तो सब में होती है, डोर नॉक करके आने की।
And you know, me and Bela just... ये शादी वादी बहुत दूर की बात है, तो पता कितना impatient हूँ, you know me right? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ योगी कि तुम किस तरीके के इंसान हो, बस ये समझ नहीं पा रहा कि तुम दोनों लव वर्ड के बीच हमेशा मैं क्यों फंस जाता हूँ। अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली ब्रो, पता नहीं आपकी टाइमिंग खराब है या फिर हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा आप ही को भेजते हैं। I don't understand. शायद मेरी बर्बादी के बाद अब कोई मेरी तबाही भी चाहता है।